फरीदाबाद परिवर्तन यात्रा में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। देश के लोगों के बीच में नफरत फैलाई जाए और उस नफरत की आड़ में पैसा लूटना बीजेपी सरकार की मंशा है। सरकार तरह तरह का टैक्स लगा रही है जिससे फायदा अदानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को होगा। देश की हालत काफी खराब है। देश पर कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर एक ईंट भी कहीं नहीं लग रही है। इनेलो के समय में जो सड़कें बनी थी उनकी मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है और 2024 में लोग इनेलो की सरकार बनाएंगे। परिवर्तन यात्रा को देखकर बीजेपी और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। लोग आपकी तरफ निगाह गड़ाए हुए हैं, परिवर्तन यात्रा भी इसको लेकर शुरू की गई है ताकि 2024 में परिवर्तन आए। आप क्या देख रहे हैं आगे? ये मेरे कहने की जरूरत नहीं जी। आज तो हरियाणा प्रदेश के दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी चुनाव होंगे इस प्रदेश में परिवर्तन आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। चौधरी साहब, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की शिकायतें भी सुन रहे होंगे, क्या क्या लग रहा है कि अब लोग परेशान हैं और अब चाहते हैं कि बदलाव हो? आपके कितनी समस्याएं आप तक पहुंच रही हैं और कैसे अब जनता के साथ खड़े हैं? जो समस्याएं आज लोगों के सामने है वो आपकी टीवी और अखबारों की मार्फत लोगों को सुनने को मिल रही है। लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और परेशान लोगों ने जुड़ने का निर्णय ले लिया, सब जुड़ते जा रहे हैं। कटाक्ष कर रही है लगातार, बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है यात्रा को लेकर और कांग्रेस भी कटाक्ष कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? वो तो कटाक्ष करेंगे ही जी, क्योंकि उनकी सरकार चाहती है तो उन्हें पीड़ा होती है। लेकिन लोग जो हैं वो इस यात्रा को और ज़्यादा मजबूत देखना चाहते हैं साहब, इसलिए विशेष रूप से मैं आप पत्रकार साथियों से एक अर्ज करूँगा, जैसा मैंने अभी बताया है जी, आप लुटेरों से ये सवाल जरूर पूछना कि कर्जा किस बात का है। चौटाला साहब, पोते की शादी में तो नहीं पहुंच पाए, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये प्रेस की बात थोड़ी है।